कब वे जल्दी बाहर निकलो। अरे यार एक मिनट, ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे। कब हुई, जैकलीन आंटी का फोन आया है। क्या? मेरा फोन आ गया? ओए कहाँ है फोन? मेरे पास कोई फोन वो नहीं है। वो तो हुल दी थी, हुल। वो तो आपको बाहर निकालने का बहाना था। थप्पड़ मारूंगा तेरे में। झूठ बोलते बुलाता मेरे को। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या? अगर मेरे डैडी को जेल हो जाए तो आप मुझे पाल लोगे? और कितना पलेगा भी तू? तेरा डैडी जेल क्यों जाएगा? अरे कुछ गुंडों ने उन्हें फोन पे धमकी दी है कि हमारी दुकान को तोड़ देंगे। डैडी उन्हें गुंडों को मारने गए, बहुत गुस्से में थे, खून उबल रहा था उनका। तेरे डैडी की चाय तो उबलती नहीं, खून कहां से उबलेगा? तू ना, तू अपना सवाल चेंज कर। तू ये बैठ, तेरा तू ये बोल कि अगर मेरे डैडी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए तो क्या आप मुझे दो चार महीने ख्याल रख लोगे? ये पढ़। हॉस्पिटल में क्यों? क्यों क्या मतलब, जब भी पाजी वो लड़ाई करने गया ना, पिटके आया हमेशा। आपको पता है, एक दिन कहता है चूहा मेरी मट्ठी खा जाता है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वापिस आया तो उसके दोनों कान कुतरे हुए थे। मेरे को आके कवर कर रहा है, कहता है मैंने तो बालियां पहनी थी इसलिए मैंने छेद कराए। अरे ऐसी बात नहीं है, वो हॉकी लेकर गया है। अच्छा, हथियार भी खुद लेके गया घर से? अब तो जूते खा के आएगा वो। पहले भी एक बार भाला लेके गया था। अच्छा, उन्होंने इसी से छीन के ऐसी जगह मारा ना, नर्सों को जगह ही नहीं मिल रही थी, टेटनस का इंजेक्शन लगाए कहा। बाद में इंजेक्शन ना बड़ा पाप में डाल के खिलाया इसके बाप को। लगता है अपने डैडी को लाइटली ले रहे हो। लाइटली ले रहे हो, कीड़ा पड़ा गया तुम लोगों को। भगवान करे तुम लोगों की चाय में कीड़े पड़ जाए, तुम लोगों की चाय में मक्खी पड़ जाए और तुम लोग बिना देखे चाय पी जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे उबला आलू छिलके आया होता है। भाजी क्या बताओ, क्या हो गया? गली में घेर के मारा है मेरे को। ओए, इतने कमीने गुंडे थे, मारा कम है मेरे को, दांतों से काटा ज्यादा आई। डैडी ये क्या हो गया आपको? बेटे कुछ नहीं, मेकअप कराने का शौक है, मैं ब्यूटी पार्लर गया था। देखता नहीं है, पिट कर आया हूँ मैं। चल यार, ये शुक्र है चंदू तू था, पता क्यों? डीड है, तेरी जगह कोई और होता मर जाता हो। तू ठीक है? मरने की एक्टिंग की है तभी छोड़ा उन्होंने मुझे। आपको समझ नहीं आती, एक तो रोज मम्मी से घर में पिटते हो, ऊपर से बाहर से भी पिट कर आ गए। बेटे मैं अकेला था, वो तीन थे, लेकिन मैंने उनको बोल दिया, मैं क्या अगर माँ का दूध पिया तो अकेला अकेला आए। फिर अकेले अकेले ने मारा है। चिंटू पिंटू छोटू, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को मैं। तू बच्चों से मार खा गया चिंटू पिंटू छोटू से? एक काम कर, तुम अपनी चाय में जहर डाल, उसमें डूब के ना फांसी पे लटक के अपने आप को गोली मार के मर जा। मैंने उनको मारना बदला लेना है अपना। अच्छा? लेकिन ये बदला तुम ही ले सकते हो। मैंने उनको बोल दिया है, मैंने कहा मैं वहां पर नौकर हूँ और ये मेरा मालिक है। ऐसे बोल दिया तुमने? हाँ, और वो दुकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं। चिंटू पिंटू पिंटू, इनको मैं दो मिनट में भगा दूंगा। चिंटू पिंटू छोटू। लगता है कस्टमर आ गए। क्या लेंगे सर? बेटे ये कस्टमर नहीं है, ये कष्ट देने वाले नर हैं। ये पिंटू है, ये चिंटू है, ये छोटू है और ये दुकान के मालिक है। अरे क्या बात कर रहे हैं? आई आई आई, नहीं नहीं नहीं, ये अरे हम तो ए बात सुने से घूर घूर के कहा देख रहे हैं। अरे हम तो गिलास धोने का काम करते हैं प्रोफेसर चंडू के अंदर। मेरे अंडर नहीं, मैं तो खुद इसके अंडर लगा हुआ हूँ। मेरे अंडर? मैंने तो अभी अंडर में पढ़ना शुरू नहीं किया है। मैं तो इनसे डायपर सिलाने आया था। मम्मी मैं आ रहा हूँ। मालकिन, मालकिन आ गई, मालकिन, मालकिन, माल, हेलो, मालकिन आ गई। एक मिनट, किसकी मालकिन? अरे आप हमारे दिल की मालकिन, हमारे शो की मालकिन है, ये दुकान आपकी है। आपको पता है ये गुंडे आए कहते हैं आपकी दुकान तोड़ेंगे अगर आपने कुछ कहा तो, ये आपको मारेंगे, ऐसे बोल रहे हैं मेरे को तीनों। हाँ? अच्छा, लड़के को डराते हो, हिम्मत है तो लड़की से लड़के आ जाओ, आ जाओ, लड़ो लड़ो लड़ो, देखते हैं आप कौन किसको मारता है। आ जाओ,
जाएगा। लाशें यहाँ से हटा दिया है। और किसको मारना है? तेरे तो मैं गुदगुदी करके मार। और किसको मारना है? किसी को नहीं और। गुदगुदी करके कोई है? चलो अपने आप जाओ, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है। चलो आगे लड़ने। एक बार सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां। सोनाक्षी ये मेरा दोस्त है, आपका बड़ा फैन है, मेरा बचपन का दोस्त है ये। कैसे दोस्त? ठीक है, ज्यादा एक्टिंग ना कर, अभी मार मुड़ कोई नहीं पड़ी। हाय। हेलो। बड़ा ये आपके पापा की मिमिक्री इतनी अच्छी करता है ना, सारे स्टार्स की करता है। उससे याद आया, आज सिद्धू पाजी मैं घर से निकल रही थी। हाँ। और क्यों भाग रही थी? मैं लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। डैड बैठे हुए थे। अच्छा, पूछते कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने बोला कपिल के शो पे जा रहे हो। अच्छा, आजकल कपिल मेरी मिमिक्री कर रहा है, वैसे तो अच्छा करता है, बट वो उसको कह देना एक बार बस कि वो हाथ बहुत हिलाता है। मैंने तो लाइफ में ऐसे कभी हाथ नहीं हिलाया, मेरे डैड ने बोला। नहीं, मैंने कभी नहीं किया। वो तो मैं एक और करेक्टर है, गत्रुगंज गिना। मैं शत्रु सर की कभी करी नहीं। ये बड़ा अच्छा करता है, अभी देखना ऐसी मिमिक्री कोई भी जो तुम्हें अच्छी कोई भी। अच्छा, हम गेस करेंगे, आप बताओ। हम गेस करेंगे, तुम बताओ। ठीक है, अब मैं चाल चल के बताऊंगा। ओ कौन है? दिलीप साहब। दिलीप साहब, एक और बता ना करके कोई। मतलब आप इतनी अच्छी कर रहे हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा किस। आप ना। अरे दोबारा करके बता, एक और। ओके अभी क्या मिक्री करने लगा, कुछ और करने लगा? अरे वो कब से वाला एक्सप्रेशन दे रहा था? पॉज बटन किसने बनवा दिया? नहीं, वो कैरेक्टर में आ रहा था ना। चल जल्दी जल्दी, सीरियसली चल। अबे क्या बता रहा रे? ओ चल रे रावा रे। नहीं, ये तो असरानी अंकल है ना। ओए यार ना का यार, तेरी कोई इधर, मैं बताता हूँ, तेरी कोई भी आवाज नहीं ठीक निकल रही यार आज। या तू पागल से मेरी बेइज्जती कर रही है? या पागल सा जा, भाजा यहां से। अगली बार अच्छी वाली का नाम है मिमिक्री। ठीक है सोनाक्षी जी, थैंक यू वेरी। थैंक यू। सोनाक्षी आज हमारे शो पे पहली बार आई। सोनाक्षी, यू लाइक माय होम? दिस इज, ओह यस, वेरी प्रीटी ग्रीन कलर हाउस विद रेड डोर। हॉस्पिटल भी है, सारी फैसिलिटीज है यहां पे। मतलब सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट। स्विमिंग पूल भी है। का है? ये ढक्कन खोलना पड़ता है इसके अंदर, देखो। वाह भाई वाह। सोनाक्षी तुम खाली हाथ आ गई? दिस शुड बी अ क्वेश्चन टू यू, खुद से पूछो। अरे मम्मी आपकी खाना बना, मेरी मम्मी कुछ बनाएगी तो मैं लेके आऊंगा, आपकी मम्मी बनाती है आपको लेके आना चाहिए ना। पर तेरा तो रिश्ता ही बड़ा पाक है इनके साथ, बहुत ही ज्यादा। कौन सा? भाई का देखो ना। पिछले साल रक्षाबंधन हुआ था तो ये आए थे इंडियन आइडल जूनियर में, मैं जज थी। हाँ। ये अपना फिल्म प्रमोट करने आए थे। ओ तो पुरानी बात है। और आज मैं आ गई। 2015 की बात, अब कैलेंडर बदल रहा है तो रिश्ते नहीं बदल सकते क्या? कर दी महफिल रोशन यहाँ आकर, बैठा के चाहत की कश्ती में खवैया बना दिया। जो चाहता था, जो चाहता था खुद को सैया बनाना, ऐसा हमारा छक्का के भैया बना दिया। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। कम सोनाक्षी, ये देखो हमने नए सोफा बनवाए। वाओ, बजट बढ़ गया। बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये सोनाक्षी जो अपनी फिल्म में काम कर रही है, वो सारे काम वो कर रही है जो हीरो करता है। अच्छा, एक्शन वैक्शन मारना पीटना लोगों को। तो अगर आप फिल्म की हीरो हैं तो हीरोइन कौन है फिर? चाहे तो तुम बन सकते हो बेबी। तो मतलब सारे गुंडों को तो इन्होंने पीट दिया, तो मैं क्या दुपट्टा लेके ऐसे दांतों में चबाने जाऊं फिल्म में? क्यों नहीं, वैसे भी तो आधे मर्द तुम्हारे शो पे लड़कियां बने घूम रहे हैं। सही बोल रही है। अरे वो टेम्परेरी होते, पता ज्यादा गर्मी में निकल जाए ना तो उनकी औरतें पिघल के सड़क पे फैल जाती। परसों तो मेरी नानी पिघल गई थी, चलते चलते देखा नानी सड़क पे, नाना निकल के। अच्छा आप देखो पाजी, NH-10 में और सुल्तान में अनुष्का पीट रही लड़कों को, ठीक है। बागी में श्रद्धा कपूर पीट रही है, ठीक है।
दीपिका पादुकोण एक्शन कर रही है, प्रियंका चोपड़ा कर रही है, सोनाक्षी भी नहीं हट रही है, आप क्या चाहते हो? अक्षय पाजी और सलमान रिटायरमेंट ले लें? मतलब सब लड़कियों को हो क्या गया है? सबकी सब एक्शन क्यों कर रही है? अरे क्यों नहीं, आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती है? हेलो, अच्छा बताओ, चांद पे जा रही है औरतें, तो हम थोड़ी मारपीट नहीं कर सकते? ये विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, कितना भी बंदा बब्बर शेर हो जाए सवारी दुर्गा ही करती है। आप कहते हो कोई काम बताओ लड़की नहीं कर सकती, लड़की बाप बन सकती है? बाप तो बना सकती है ना। तो वैसे सोनाक्षी की फिल्म जो आ रही है अकीरा, अकीरा है किस बारे में सोनाक्षी? क्या है वो लड़की, क्या करती है? अकीरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की की कहानी है। आई थिंक एक ऐसी लड़की है जो कि कुछ गलत सहन नहीं करती है। उसके फादर ने उसे बचपन से इतना मजबूत बना दिया था कि कोई इनजस्टिस या कोई गलत काम को वो नहीं सह सकती है। एंड जब वो उसके साथ होता है तो वो कैसे वो उससे लड़ती है और उससे ऊपर यू नो आ जाती है। तुम्हें बड़ी खुशी हुई ना सोनाक्षी ये फिल्म करके? बहुत ही ज्यादा। मारना पीटना बड़ा अच्छा लगता है सुना? बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं सोच रही थी कब मुझे ये मौका मिलेगा और इस फिल्म में मिल गया। ऐसे लड़कों में अक्षय पाजी को बड़ा मजा आता है, फालतू में आगे हमारी चीजें तोड़ जाते हैं आगे। सोनाक्षी के पापा शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं और बेसिकली बिहार से हैं। सोनाक्षी अगर मैं आपको आपके पापा का डायलॉग दूं, आप बोल सकते हो? आई मीन ट्राई कर सकती हूं। मैं एक डायलॉग उनका बड़ा फेमस है, वो आए तो कहना चेनू आया था। हाँ। वो चपड़गंजू वाला भी है? चपड़गंजू वाला। अबे ओए चपड़गंजू। हाँ। वो आए तो कहना चेनू आया था। हाँ। आगे क्या था? ज्यादा गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। और आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के पर हाथ उठाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। एक और डायलॉग ना शत्रु साहब का, कौन सा? कि जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और जो आया और उस राख से जब बारूद निकले से विश्वनाथ कहते हैं। अभी आप कि जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, उस बारूद से फिर आगे विश्वनाथ कहते हैं। अच्छा, अभी भोजपुरी में जिस राख से बारूद बने उससे विश्वनाथ, क्या बात है यही। आप करके मुझे बताओ ऐसे भोजपुरी नहीं, अब आप तुम करोगे और बिना हाथ हिलाए करोगे। हाँ। प्यारी में? हाँ। देखो ससुरा तहका तो पता ही होगा जली को राख कहते हैं। जली को राख कहते हैं, बुझी को भी आग कहते हैं। हाँ। और जो हरे हरे पत्तों की सब्जी बन जाए उसे साग कहते हैं। चलो एक अकॉम्प्लिशमेंट तो की उसने, हाथ नहीं हिलाए। अच्छा सोनाक्षी इस बात में कितनी सच्चाई है कि शत्रु सर जब ना अपना रिश्ता लेकर गए ना सोनाक्षी की नानी के पास, हाँ, उन्होंने मना कर दिया था पहले? बिल्कुल मना कर दिया था। तू क्या बोलते? बोले थे कि एक तो मम्मी मिस इंडिया, मतलब खूबसूरत टू नेक्स्ट लेवल, ये तो बात है। हाँ, और पापा तभी स्ट्रगलिंग डेज में थे तो मतलब लंबे से पतले से काले काले से पटी पटी चकल, मतलब स्कार वार था, और चले गए रिश्ता लेकर नानी के पास। तो नानी अपने सिंधी एक्सेंट में, अच्छा मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, तुम दोनों को एक फोटो में खड़ा करेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगेगा। फिर माने कैसे बाद में? स्टार बनने पर सब मान जाते हैं। ये तो है। फिर तो शत्रु सर जब स्टार बन गए होंगे फिर गए होंगे ना घर पे? कैसे? वो आए तो कहना शत्रु आया था। हेलो हेलो, हाँ मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, तुम आ जाओ। बाय। आ रही है? हाय सोनाक्षी। सरला क्या हाथ को क्या हो गया? मैं बताती हूँ, आप आए कब, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं ऐसे नीचे आके आपको बताती हूँ क्या हुआ। आई एम कमिंग। इसे छलांग मार देना। आओ बैठ जाओ। हाय, क्या बात है। हाउ आर यू? वो मेरे डर से उड़ गए। ओह अच्छा, आपको आना चाहिए फिर। और और अच्छा, इतनी छूटी फूटी है, पैसे कमाने नहीं छोड़ने, घर पे बैठ जाती।
हुआ क्या है सोनाक्षी पूछ रही है बताया वो मैं एक्चुअली आपसे इंस्पायर होकर ना एक्शन सीख रही थी किसको मारा कोई एक्शन नहीं सीख रही थी ये पीछे चाट वाला ना वो 10 रुपए के 6 गोलगप्पे देता है तो ये 5वां खा के निकल ली इसको पता था छठा खाया तो पैसे मांगेगा फिर चाट के पत्तल पैर फिसला ऐसे गिरी है झूठ बोल रही है जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वो तो पैर के नीचे साबुन आ गया तो मैं फिसल के गिर गई नहीं झूठ बोल रही साबुन तुम्हारे घर में कहां से है ये लोग क्या करते हैं बॉडी गीली करके दीवार के साथ रगड़ के नहाते सब पता है झूठ बोल रही है जी देखो सोनाक्षी हमेशा ऐसी बातें करता है मेरे साथ आप इसको समझा दो कर ले मुझसे शादी हाँ क्यों नहीं कर अच्छी तो लड़की है अच्छी तुम कर लो मैं क्यों करूँ अभी मेरी शादी की उम्र नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अब तो मेरी कजन भी तुम्हें जीजू जीजू बोलने लगी कर लो ना क्या कजन का क्या है वो तो पान वाले को डार्लिंग कह के फ्री में गुलकंद खा जाती कजन का मैं नहीं मानता अभी देखो तुम ऐसी बकवास बातें मत करो वरना मुझे भैया को बुलाना पड़ेगा कौन भैया वो बुलाने पे आता कहाँ है जब तक उसको मूंगफली केला ना दिखाओ पेड़ से उतरता ही नहीं भैया को बंदर बोला मैंने कब कहा बंदर तुम्हारे खानदान में सिर्फ वही है जो इंसान लगता है लगता है कम्मा क्या मतलब है वो इंसान है वैसे भी पापा ने उसे रिसर्च के लिए कहीं बाहर भेजा हुआ है सबको पता है तुम्हारे पापा कैसी रिसर्च करते हैं एक दिन मेरे को कहते हैं मैंने ना मोबाइल साफ करने वाला डिवाइस बनाया मैंने कहा कैसे कहते हैं हेलो चाट के मोबाइल साफ कर दिया एक बार ना एक चूहिया को इंजेक्शन दे रहे थे मैं क्या कर रहे हो आप कहते इसको मैंने लड़की बनाना है पता नहीं मैं इसको देखता हूँ मेरे को लगता है उनकी रिसर्च ठीक हो गई कामयाब हो गई क्या है? मुझे पता है तुम्हें मेरी प्यार की कदर नहीं है लेकिन जिस दिन मैं किसी और की हो गई ना उस दिन तुम कॉर्नर में बैठ के आंसू बहाना मेरे लिए समझे तुम ये बात सही है तभी लगेगी मेरे को नहीं लगती तभी लगेगी सोनाक्षी के दो भाई हैं लव और कुश बड़े प्यारे अच्छा फिल्मों में बाजी अक्सर दिखाया जाता ना कि जुड़वा भाई अगर है तो एक को चोट लगती दूसरे को दर्द होता है ऐसा कभी होता है कि लव ने भटूरे छोले खाए और कुछ का पेट खराब हो गया नहीं मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ ऐसा होता है क्या नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता बट आपस में बड़ा झगड़ा करते हैं बट कोई गलती से किसी ने एक के बारे में कुछ बोल दिया ना तो दूसरा बड़े सबसे पहले आके पीछे पड़ जाता हाँ बट मुझे मिलकर दोनों ने काफी पीटा है आपको हाँ तो तुम डांटती नहीं थी मैं सबसे छोटी अब मम्मी पापा पार्शल कुछ भी करो नहीं नहीं हमारी बेटी तो कभी कर नहीं सकती है ऐसा कुछ हाँ. तो डांट उनको पड़ती थी मार उनको पड़ती थी तो अब कॉम्पेंसेट करने के लिए दोनों को मुझे पीटना होता था ना बुरी बात अच्छा बुरी बात तो काफी पड़ी है मुझे बचपन में उनसे मेरी मम्मी भी ना जब जाती थी ना कभी घर से मार्केट जाना दो चीजें बोल के जाती थी एक तो दूध उबाल लेना बहन को मत मारना हम पागल है हम क्यों मारेंगे बट ये तो छोड़ो मारते थे एक मार के चला जाता था भाग जाता था मैं रोते रोते गई पापा के पास पूछते थे किसने मारा अब दोनों लगे एक जैसे मुझे तो पता भी नहीं है किसने मारा हरला हरला किचलू तुम आ गए किचलू हाँ आओ किचलू सोनाक्षी मीट माय बॉयफ्रेंड किचलू हाय किचलू किचलू आगे तो आओ किचलू इधर आ तू रात को अंधेरे में उठ के अकेला सुसु कर लेता कप्पू ये क्या है अच्छा किया लेकिन तेरे को बच्चों को कार्टून बड़े पसंद आते आएगा जलन हो रही है नहीं मेरे को क्यों जलन होगी सुंदर लड़की हाथ से निकल गई ना इसलिए अब जलन हाथ से निकल गई मैं तो चाहता हूँ देश से ही निकल जाए सुंदर लड़की मेरे को कोई जलन नहीं हो रही आई एम क्वाइट ओके मैं कहीं नहीं निकलने वाली रादर अभी तो किचलू मेरे साथ आके यहाँ रहेगा क्यों काम वाम नहीं करते कोई आप करता हूँ ना क्या करते हो मैं मच्छर पकड़ता हूँ मछली पकड़ते तो आज झींगा क्यों पकड़ लिया कप्पू क्या तुमने मुझे झींगा कहा ऐसे सवाल पूछो कि बात बढ़ती रहेगी मैं बता रहा हूँ हाँ, तो बस बात करते रहो पाजी बात करने का कंपटीशन होता तो हमारे कप्पू को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर मिलता हाँ, और आपको पता है दीवार से चूना चाटने का कंपटीशन होता फिर गोल्ड इसका था अच्छा सुनो तुम जो सबके साथ सेल्फी लेते हो हमारी भी लो ना प्लीज सेल्फी खुद लेते हैं हाँ तो वही तो बोलो खुद ही लो ना तुम देख लो जब मैं कहता हूँ ना कि दिमाग ठीक करने के लिए योगा करो फिर मेरे को कहती हो तुम मेरी ऐसी बातें करते हो सेल्फी खुद लेते हो तो सेल्फी चल ठीक है मैं तेरी सेल्फी लेता हूँ देख तेरा बॉयफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड नहीं ऐसी ऐसी बॉयफ्रेंड जो भी है ऐसी सेल्फी लेता हूँ सारी उम्र याद करके तो बॉयफ्रेंड मेमोरेबल सेल्फी होनी चाहिए ना मैं इधर आ जाओ आप
फिर आ जाओ इधर आ जाओ बॉयफ्रेंड बनने के लिए। अरे कुछ नहीं प्यार से। अरे मैं अच्छी सेल्फी लेता हूँ। आइए सोनाक्षी इनकी ना अच्छी वाली सेल्फी लेते हैं। लेके आओ फटाफट। इधर आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ। इसके पीछे कैसी सेल्फी आएगी? ये सोनाक्षी का है। बताते ना आ जाओ। एक मिनट ना एक मिनट। इधर इधर मंदिर आ। हाँ शाबाश। वाओ वेरी नाइस। स्माइल करो। अरे स्माइल कर मैं लिपस्टिक मारूं तेरे। वेरी नाइस। हाँ बहुत अच्छी। अब इस पे कपड़ा डाल दिया जाए एक और सेल्फी लेंगे। लेकिन ये फोटो दिखाएंगे दिखाएंगे बाद में आपको दिखाएंगे। आइए आइए आइए। चलिए आइए इधर आइए। पाउट पाउट करो पाउट। बड़ा खुश लग रहा है। क्या बात छोटी बंदरिया। वेरी नाइस। कम कम फोटो तो दिखाओ कपू। ये कैसी फोटो लिए तुमने? ये वाली नहीं। एक फोटो कैसे दिखाऊंगी दूसरे लोगों को? बॉयफ्रेंड तो साथ में है और किसको दिखानी है? देखो तुमने। अरे इतने अच्छे बंदर बंदरिया लग रहे हो और क्या ले? इतनी बकवास फोटो ली है एकदम ओरिजिनल। किस लू चलो यार। एक मिनट एक मिनट। आपने कहा था कि मैं आपकी बॉयफ्रेंड की नकल करूंगा तो आप मुझे सोनाक्षी के साथ फोटो खिंचाओगे? अच्छा ये गलत है दीदी। दीदी ऐसा कहा था उसने। चलो भाग यहां से। सोनाक्षी सिन्हा के साथ फोटो ले। सोनाक्षी की राशि जो है वो मिथुन राशि जेमिनी। तो इनका ये मानना है कि जो जेमिनाइज होते हैं वो जो है मल्टीटास्किंग करने में माहिर होते हैं। तो हम सोनाक्षी को दो टास्क देंगे ज्यादा नहीं एक साथ करने आपको ठीक है। तो एक आपको रोप स्किपिंग करनी है। हाँ। और साथ साथ में न्यूज पढ़नी है। मंगवाऊ मैं? बजट हमारा काफी है। मैं लेके आया जरा फटाफट। तो खबरें हम आपको देते हैं। यू आर वेरी फिटनेस फ्रीक गर्ल। आई जस्ट वॉन्टेड द स्किपिंग। मारने में भी बहुत काम आता है। मेरे ना मार देना कहीं। तो पाजी आप एक्शन बोलना। सोनाक्षी शुरू करेगी और रोप स्किपिंग करते करते न्यूज पढ़ेंगी। लाइट्स कैमरा एक्शन। मोमोज की डिमांड को लेकर मुर्गियां हड़ताल पर। दूल्हे को आइसक्रीम लाने भेज दुल्हन प्रेमी संग फरार। पूरे मोहल्ले में हाहाकार। एलियन ने ढूंढा इंसान। कपिल की शादी में सोनाक्षी नशे में है। अरे ऐसी झूठी झूठी खबरें लिखते हैं ये न्यूज़पेपर वाले। अफवाह फैलाना तो कोई इनसे सीखे। अच्छा ये खबर गलत है तो पहली खबर बड़ी सही थी कि मोमोज की डिमांड में मुर्गियां ने हड़ताल। क्यों नहीं? That makes sense. पर जोरदार तालियां नाक्षी के लिए। नाक्षी अगर आपने ये कहा कि जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं मल्टीटास्किंग में माहिर होते हैं मतलब आप विश्वास करती हो? बिल्कुल। तो आप कभी कभी एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है। तो आप सुबह उठ के पेपर में अपनी राशि पढ़ती हो आप? कभी कभी। हाँ। हैं? कभी कभी। यहाँ पे हमारे कितने दोस्त हैं जिनको अपनी राशि पे विश्वास होता है जो पढ़ के आते हैं? जी भाई साहब आपको कोटि कोटि प्रणाम। और कपिल सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। सर बहुत बहुत प्रणाम। दीदी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। दीदी उम्र का बड़ा लिहाजा किया उन्होंने। आपको प्रणाम किया मुझे नमस्ते किया। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा जी कौन लेके आया आपको? मैं बाय प्लेन आया था। गाजियाबाद में क्या करते हैं सर आप? गाजियाबाद में मेरा छोटा सा बिजनेस है। नहीं छोटा सा क्या? चींटियों की कुश्ती करवाते हैं क्या? नहीं चींटियों की नहीं। सर मेरा कैटरिंग का बिजनेस है। सर कैटरिंग का? जी। अच्छा जी आप राशिफल के बारे में क्या? राशिफल में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जो भी काम करता हूँ मैं उल्टा होता है राशि के हिसाब से। जी शेयर मार्केट में मैं गया शेयर मार्केट में पैसा लगाया वो भी मेरा डूब गया। उसके बाद किस राशि में देखा अखबार में कि अपने कपड़े उतार के दान कर दो। मैंने सारे कपड़े दान कर दिए। फिर तो जब आपने दान कर दिए कपड़े तो आगे तो किसने बढ़ने नहीं दिया होगा फिर। सब कह रहे हो चलो चलो अंदर चलो ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो कहने का मतलब कि आप विश्वास नहीं करते हैं। हाँ जी। तो मतलब मिक्स रिएक्शन है। हाँ जी सोनाक्षी आप इनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्या राशिफल की वजह से इनका काम डूबा है? एक बार रॉन्ग ऐसी राशि किसी ने मेरे लिए भी पढ़ी थी। एक पंडित जी थे मेरी फिल्म की शूटिंग से पहले
उन्हें नहीं पता था कि मैं फिल्म करने वाली हूँ और किसके साथ कर रही हूँ, कौन सी फिल्म है, का कुछ आइडिया नहीं था. फेस रीडर अपेरेंटली थे, तो मेरा फेस पढ़ने लगे. सबसे पहले चीज़ जो उन्होंने की थी तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलते कि तुम कोई क्रिएटिव फील्ड में जाने वाली हो, कुछ अभी एक बड़ा काम करने वाली हो और यू नो शुरुआत ऑलरेडी हो गई है. और मैं फिल्म शुरू करने जा रही थी, तो मैंने बोला हाँ हाँ, मैं खुश हो गया, अरे पता है इनको. तो बहुत बड़ी गलती. थैंक यू, वेरी इनकरेजिंग ऑफ यू. उन्हें कहा अगर तुम फिल्मों में जा रही हो तो आई डोंट थिंक तुम्हारी पहली फिल्म कुछ काम करेगी या अच्छा करेगी तुम्हारे लिए. अब मुझे वो पंडित जी से मिलना है. बोला पंडित जी अगर आप देख रहे हो, थैंक यू, आपने जो भविष्यवाणी की थी बिल्कुल उल्टी थी, बिल्कुल सही नहीं थी. एंड अच्छा एक बार याद है आपको बाजी, सुशील कुमार जी हमारे शो में आए थे, तो वो इंग्लैंड में कोई तो ओलंपिक में गए, तो उन्होंने भारत देश का झंडा लेके उनको आगे आगे लीड करना था और पीछे सारी टीम. अच्छा उनको कोई सीनियर प्रेस रिपोर्टर थे कोई साथ में गए थे उनके, उन्होंने कान में बोल दिया कि जिस जिसने झंडा उठा के लीड किया ना उसका मेडल कोई नहीं आया. तो वो बेचारे की दो दिन बाद कुश्ती थी, वो तो खाना ना खाया जाए. बाद में जब कुश्ती जीता ना फिर कहता अब मैं प्रेस रिपोर्टर ने ढूंढ रहा हूँ. सर एक एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी. हाँ सर, सर आपके और मेरे में बहुत सिमिलरिटी है एक सी. किसमें किसमें? आप भी बहुत अच्छा गाना गाते हो, मैं भी बहुत अच्छा गाना गाता हूँ. कौन सा गाना सुना है? पहले गाना बताइए कौन सा. मनी कौन सा था वो गाना? मनी. मनी कौन है? मनी मेरा भांजा है. ये आपका भांजा तो आपका मामा लग रहा है. मनी अच्छा ये वाले है. मनी खड़े हो जाओ. क्या हाल है मनी, कैसे हैं आप? मनी मनी गाना याद नहीं आ रहा उनको, बता दीजिए. गाना कौन सा था वो गाना जो गा रहा था गाड़ी में? क्या मेरे सपनों की रानी? नहीं दूसरा वाला, दूसरा वाला, वो वाला जो जिसमें उड़े उड़े करते हैं. आ गया आगे सर, याद हो गया. आ गया सर, क्या करते हैं? आ गया 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 आ गया. नहीं आपने अभी क्या बोला जिसमें क्या करते हैं गाने में? मैं अभी बना बता. अच्छा, आ गया आ गया आ गया, गाना आ गया. शुरू करूं? करो. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. अरे उड़ली 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 अरे उड़ली 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 क्या बात है. पर सर ये बड़ा मुश्किल काम होता है जो आपने किया है, कि रिदम से अलग होके गाना. सर मैं आपसे सीख रहा हूँ सर. थोड़ा सा और इंजॉय कर दूँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर दूँ और सर. और क्या करना है? आवाजें निकालनी है सर मुझे. आवाजें निकालनी. शो नहीं डुबाना गुरु. नहीं और मनोरंजन सर. बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया आवाजें सुना दूंगा थोड़ी देर में जाने सर. इससे भी बढ़िया आवाज निकालेगा जी. क्या निकाल दीजिए जो है जेब से निकाल के बाहर रख दीजिए. सबसे पहले मैं डॉगियों की आवाज निकालूंगा. डॉगी कुत्ते कैसे लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं. जब स्कूटर के नीचे पैर आ जाता है कुत्ते का तो कैसे रोता है, चोट लग जाती है उसके, ये सब. और छोटे बच्चे कैसे निकालिए. अच्छी अच्छी यार. संजू आप डरा रहे हो. संजू देखो, वो देखो संजू, वो निकाल रहा है, वो निकाल रहा है. करो. अच्छा उसने इतना इनोसेंटली देखा ना, हम कब ऐसी आवाज निकालते हैं. और किसकी आवाज निकालते सर? हाथी चिगाड़ते हैं जब कैसे. आप बोर हो रही हैं मैडम? नहीं नहीं बड़ा मजा रहा है सर. कंटिन्यू. एक अच्छा आवाज निकाल दो. हाथी हाथी चिंगाड़ेंगे. लोरी सुना दो, सुना हो जाए. डर लग रहा है सर. बहुत मजा आया आपसे मिलके. मुझे भी प्यारी बात की आपने. थैंक यू सो मच शो में आने के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू. राक्षी बेटे उठो, टाइम हो गया प्रमोशन करने का. डन. हाँ मैं तो करने ही आई हूँ, अंकल करने नहीं दे रहे. मैं क्या करूँ भैया. सॉरी भैया भैया.
मैं जब आई थी तो क्या कहा था? खाली हाथ आई हूँ जी। कभी हो सकता है ऐसे? ना, बिल्कुल नहीं ना। आपको लगता है क्या मैं कभी खाली हाथ आऊंगी किसी के घर पे? आ रही हूँ फर्स्ट टाइम, मेरी मम्मा ने तो ऐसे नहीं सिखाया मुझे। तो मैं लाई हूँ कुछ कपिल के लिए, पेश किया जाए। आप बनवा लो भाई साहब, आप बनवा लो। इनको बांधो। अरे नहीं नहीं, नो नो, बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो दो मिनट रुको, ये रक्षाबंधन वाला गाना मैं तुम्हारी पेमेंट मार लूंगा सबकी। सुनाक्षी भैया 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 भैया, एक मिनट, आपने पिछली बार इंडियन आइडल पे मुझे राखी बांध दी थी, अभी तो राखी भी आलू वाले पराठे जैसी। तो हर साल बांधना पड़ता है ना? ये क्या बात हुई, एक साल बांध के छोड़ तो नहीं है देना? हर साल बांधना होगा राखी, जरूरी थोड़ी ना है। हाँ जरूरी है। अरे मेरी बहन ने भेज दी अमृतसर से राखी, मैं बांध लूंगा। बट मुझे बांधनी है। चलो अभी और बात करते हैं। ये तो घेर घेर के राखी बांध रही है। मैंने घड़ी बांधी हुई कल से ही। अच्छा मिठाई खा लो फिर। बांध दो फिर यार। और पैसे कौन देगा? पैसे निकाल, पैसे पैसे निकाल। ये राखी ऐसे किसी को वहां गर्दन काट दे। ये अकीरा की राखी है, सेल्फ डिफेंस में काम आएगी। बहना क्या चाहिए? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। वो तो मुझे पता है। हाँ। बदले में क्या चाहिए? बदले में मतलब राखी का तोहफा क्या चाहिए बताओ, सोने के खर्चे भी दिलवाऊंगा। आज से लेके अकीरा के रिलीज तक तुम हर शो पे मेरे फिल्म की प्रमोशन करोगे। वो तो मैं। तो सोनाक्षी को मेरी तरफ से राखी के बदले में 1,00,000 बेस्ट विशेस। थैंक यू। क्यों रहा तुम्हारा गिफ्ट? 1,00,000 बेस्ट विशेस, सस्ते में निपटा दिया। 1,00,000 बेस्ट विशेस। हवाई मेल, हवाई मेल। मैं रुपए कहां से दूंगा? चलो चलो, थैंक यू। गाना तो तेरा मैं देखता हूँ। वैसे किसी से बजता नहीं तेरे से, तो भैया मेरे राखी के बंधन में बैठा। बड़ा तेरा टाइम पे आया पूरे सुर में। चलिए अच्छा, आपको वैसे सोनाक्षी से कोई बात करनी है, फिल्म के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो सर। मेरा नाम है रीमा, मैं सूरत से आई हूँ। मैं सोनाक्षी मैम से पूछना चाहती हूँ, हमने सलमान खान सर के बारे में तो बहुत सुना है, सब उनको पूछते हैं कि उनकी शादी कब होने वाली है, पर अब तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इवन मैगजीन्स में भी यही छपा हुआ आता है कि सोनाक्षी सिन्हा बहुत जल्दी शादी करने वाली है, तो क्या आपको ये सब सुन के या पढ़ के कैसा लगता है? हमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिलती है अखबारों से कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, तो मतलब एंटरटेनिंग लगता है। सर हमने तो यूट्यूब पे इवन आपकी भी शादी देखी है। जैकलिन के साथ? मैं किसी को बताना नहीं चाहता था बट सर देख लीजिए, पता चल चुका था क्या करें। I'm sure जैकलिन में किसी को नहीं बताना चाहती। तुम मेरी बहन हो कि मेरी जेठानी हो? भाई बहन में तो चलता रहता है ऐसे ही। मैम बाय द वे आप कब शादी कर रहे हैं? पहले काम कर लूं। मैम एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑडियंस में आप मेरा भाई आई है? जी 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 बिल्कुल। मेरा भाई भी बैठा है, वो डायरेक्टर एडिटर है। अच्छा तो प्लीज कहाँ है, कहाँ है? अच्छा शुक्र है ना भाई का प्रपोजल दिया, पहले मुझे लगा था, कहने लगी मेरे पति भी कुंवारे हैं। आइए ब्रदर। अरे आपकी सिस्टर रिश्ता लेके आई। कम कम प्लीज प्लीज, बड़े शर्मा रहे हैं आपके भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ऐसा है, बैठिए आप, मैं हूँ लड़की का भाई, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं। तो क्या करते हैं आप? अभी इन्होंने एडिट करी है मूवी, ये पिक्चर पाकिस्तान में बैंड है। तो आप फिल्म में एडिट करते हैं? जी। तो आपको कोई रोकता नहीं? नहीं। कि आप, हमने इतनी मुश्किल से शूट की और आप एडिट कर रहे हैं?
आने से पहले अपनी बहन को एडिट कर देते थोड़ा बहुत. मतलब ये आज जो शुरू हुई है बंद होने का नाम नहीं ले रही है. देखो मैं डिसाइड करूंगा ये. हाँ, as she is my sister, I will decide. Yeah. Your sister will decide. मेरी बहन है, लाखों में एक है, मैं इसके लिए दो लड़के ढूंढूंगा. चलो अच्छा सॉरी, मैं अच्छा लड़का ढूंढूंगा. सोनाक्षी जी. हाय. मारो मत यार. नहीं नहीं मैं मार नहीं रही हूँ. आई एम सो हैप्पी आपको देखकर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है. आप आने वाली थी मुझे पता ही नहीं था. ओह गॉड थैंक यू सो मच, आप आ गई. ऐसे आपको आते रहना चाहिए, अच्छा लगता है. ओके बट चाबुक क्यों पहना बाल में? ये बस ऐसे ही नेचुरल है. oh. कि कुछ स्पेशल लोगों के लिए रखना पड़ता है. ये लास्ट टाइम माथेरान गई थी ना, घोड़े की सवारी कर रही थी, इसने पीछे से उतार ली उसकी. अच्छा लगता है सोनाक्षी को देखकर. तुम भी हफ्ते में एक आध बार नहाया करो, हमें भी अच्छा लगेगा. नहा धो के किसी दिन आपके पीछे पड़ जाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा. वैसे ये याद है ना आपको? अरे ये मेरी नानी ने सामान मंगवाया था, और मेरे को तो सिटी केबल पे होस्ट करना प्रोग्राम. अरे तो उसके लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना होस्टिंग और ब्रेकफास्टिंग पे नंबर वन हूँ, मैं कर लूंगी होस्टिंग ब्रेकफास्टिंग, लेकिन फार्टिंग वगैरह ना हो. ये तो हंसाने के लिए आपने जोक मार दिया, वरना इसका कोई तात्पर्य नहीं था. इसकी कोई तात्पर्य प्लीज सेटअप ले आइए, हम कर लेंगे. मैं कर लूंगी होस्टिंग, मैं कर लूंगी. ठीक है प्लीज. नमस्कार, सिटी केबल में आप सभी का स्वागत है. मैं हूँ आपकी होस्ट और गोश्त. Excuse me, गोश्त नहीं होता, it's ghost. Why are you talking the most? मैंने आपसे बात की, मुझे याद आ गया, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, the gorgeous, the beautiful, ravishing bumper lottery. तो चलिए पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. हमारी इस चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद है अकीरा से सोनाक्षी सिन्हा, और यहाँ पर है फकीरा से डॉक्टर मशहूर गुलाटी. नमस्ते डॉक्टर मशहूर गुलाटी, कितनी मशहूर है. एंड डॉक्टर मशहूर गुलाटी KHAMOSH. इसका फुल फॉर्म क्या है? तेरे मुंह पे मैंने क्लोरोफॉर्म लगा देना. फुल फॉर्म क्या है? मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा, मैं तो स्पेलिंग बता रहा हूँ. खामोश के और तेरे को कह रहा हूँ बेवकूफ. अनपढ़ कहेंगे. चलिए आपको मिलाते हैं हमारे अगले मेहमान से, जो है शकीरा से टीचर विद्यावती. शकीरा से मतलब? शकीरा इनकी मम्मी का नाम है. एक्सक्यूज मी, शकीरा मेरे पापा का नाम है. Because he has some big bumps, so his hips don't lie. Oh my God! वैसे myself टीचर विद्यावती हमारे यहाँ पर उच्चित दरों पर बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं. मतलब कि दवा के दाम पर डॉक्टर बनाए, like a diamond in the sky. और सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल कीजिए भौजाई रजाई. जी हाँ, ये बहुत गर्म है और बहुत नरम है. और आपकी तरह बेशरम है. I'm sorry, ये हमारा प्रोडक्ट है. अच्छा मैं, बेटा मैं पहुंच गया. नहीं लेने मेरे को कोई नहीं आया. ना कोई देने आया ना लेने आया. मैं पहुंच गया बेटा तेरे चाचा घर में. हाँ बहुत बढ़िया. मैं रात में पहुंच गया था बेटा. यार अच्छा मैं दिल्ली से आया हूँ यार, तेरे से मिलने. तूने मेरे को तरफ देख के मुंह मोड़ लिया. मेरे को तेरा ये मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आया. मैं तेरे कह रहा हूँ मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा. खबरदार जो तूने मेरे को अपना कजन या भाई बनाया तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तेरे को. बकवास कर रहा है. अच्छा कोई अपने भाई से ऐसे बात करता है? मैं करता है ऐसे बात अपने भाई से. तेरे जैसे चालू आदमी मैं तेरा गिरा हुआ पर्स ना रखूं, तेरे से रिश्ता कर रखना. मैंने
आप पता है सिद्धु साहब चलती ट्रेन से मेरे को धक्का दिया था इसने। मैं बता दूं सिद्धु साहब ठीक से देते ना आप भी तो यहाँ बैठा नहीं होता। बहुत अच्छी बात की मेरी तरफ से आपको किस है। इतना मेरे को अच्छा लगा। मुझसे तो पूछ लो किस चाहिए कि नहीं चाहिए आपसे। मेरे को कुछ मेरी बीवी को भी नहीं चाहिए मैं दे देता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया में सिद्धू साहब क्या लेके जाना है जो है दे दो। अच्छा मेरे को ये कह रहे हैं मैंने धक्का दिया है। मैं बताता हूँ ये 70 की बात है मशरूम का बर्थडे था। मैं इसको प्यार से मशरूम कहता हूँ। इसका बर्थडे था तो मेरे यार छोटे भाई का बर्थडे था ऐसे थोड़ी उसका कुछ देना था मैंने धक्का दे दिया। मेरे को अच्छा सारे आगे बहस ने मेरे को बुलाया नहीं तो मैं बहुत आपका बेटे मेरे को आपका मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा मैं मेरे को एक बात बता 20 साल हो गए मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी अब तू यहाँ पे टिंडे लेने आया मेरे पास। सिद्धू साहब मैं आना चाहता था मेरे को कोई बिना टिकट आने नहीं दे रहा था तो मैं जाके घुस गया ट्रेन में। अरे मैं घुस गया अब यकीन नहीं करोगे। अच्छा। मेरे को गालियाँ दी। हाँ। मेरा हाथ उठ गया। हाँ। मेरा हाथ उठ गया मैंने हाथ उठा के कानों पर रख लिया। मैंने कहा देते रहो गाली। अच्छा अच्छा सिद्धू साहब मैं आपको एक बात आना चाहता हूँ मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ बहुत ज़्यादा मैं। अच्छा मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना बड़ा फैन हूँ। बताना बताया नहीं मैंने बताने नहीं इसीलिए नहीं बता रहा मैं। अच्छा मैं यार बहुत मज़ा आया मैं दिल्ली से मैं कुछ तकरीबन मेरे हाल 14 साल बाद मैं बॉम्बे आया हूँ। यार एक बात बता खुजली बड़ी गलत जगह पर हो रही है। देखो सर खुजली और बारिश कहीं भी हो जाती है। बहुत मज़ा आया यार। Excuse me, हेलो ये पिंक वाले भाई साहब हमने आपको कोई निमंत्रण तो भेजा नहीं। देखो बेटा मुझे अरबी तो आती नहीं निमंत्रण वगैरह तो मैं आ जाता वैसे मैं बताना भूल गया मैं मशरूम का आपके मशरूम लाठी का कलर। यार तुम मुझे मशरूम नहीं कहेगा कभी भी। मशरूम नहीं कहेगा मैंने तेरे मुंह पे थूक फेंक देनी है यार। मशरूम का तो अब मैं मशरूम मैंने कौन सा तेरी सब्जी बना ली यार। अच्छा मैं आप यकीन नहीं करेंगे मेरा नाम राजेश गुलाटी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आप जैसे भाइयों की दुआ से बड़ा नाम है। कैसे दिल्ली में अगर 200 फ्लाईओवर है तो उसके नीचे 12,000 मकते मेरे अंडर है। I will tell you, he is head of the banking department. देखा है सुनाक्षी जी ने बैठी है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ यार मैं तेरे को गंदी गाली दे देनी है। बेटे मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैंने बेटा कहा आपको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चों के फ्रेंड आते हैं मुझे कहते हैं राजेश वी आर फ्रेंड्स। अगर आपको मुझसे ये होप है ना तो बिल्कुल मत रखना प्लीज। मैंने आपकी फिल्म देखी दबंग वाली। हाँ। मेरा हुरूड़ दबंग निकल गया। मैं साहब एक सन 1999 की बात है एक फिल्म आई थी वो दिल वाले। दिलवाले नहीं। हाँ। दूसरी जगह मेरी धरती मेरी माँ वगैरह। उसके बाद अगर मुझे कोई फिल्म पसंद आई है तो किस किस को प्यार करूं मतलब आप यकीन नहीं करोगे मतलब बहुत ही। आप जल्दी बैठ जाओ ना कीरा यहाँ पे दिखा दूंगी। कीरा और खीरा दोनों चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। नहीं ये क्या बात हुई आप अभी तो दबंग के बारे में बात कर रहे थे। देखे बेटे फिल्म जब हिट होती है दुनिया बातें करती है। दबंग 3 में मैं आपके साथ काम करूंगा मैंने सोच लिया। पर यहाँ पे जो डिबेट चल रही है उसका क्या भाई इधर आके बैठ यहाँ पे इधर। अरे आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया पता नहीं रोक नहीं पाया आपको देख के बहुत मजा। तो हम जरा अपनी डिबेट आगे बढ़ाएं। अच्छा बेटे मैं आपको एक बात बताऊं मैं आपको प्रोग्राम देखा है सिटी केबल वगैरह ये प्रोग्राम जो है ना आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है ना आपको? बिल्कुल प्रोग्राम बहुत अच्छा बेटे लेकिन आपकी होस्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं कह रहा हूँ अच्छा मेरे 2-3 दोस्त हैं दिल्ली में एक अपना चड्डा है और एक गुप्ता है। अच्छा उनको ऐसी औरतें अच्छी लगती बड़ी बड़ी ऐसी औरतें। अच्छा मैंने उनको भी दिखाया प्रोग्राम उनको नफरत होगी कहते यार ये क्या दिखा रहे हो और टीवी में कपड़ा डाल दिया मतलब बहुत ज़्यादा आपका मुँह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक होता है कि चलो थोड़ा सा पसंद आता है मेरे को थोड़ा सा भी नहीं आया। खुद तो बड़े ब्रैड पिट बने। बड़ा बड़ा पसंद है आपका तो बड़ा पसंद है बेटा आप तो मर जाओ।
ठीक है, मरने से पहले मैं बस ये डिबेट जारी रखना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले हमारी डिबेट में हम चर्चा करना चाहेंगे सोनाक्षी सिन्हा के साथ। हम जानना चाहेंगे सोनाक्षी जी के, आप एक एक्ट्रेस हैं, कलाकारा हैं, आपके पिताजी भी एक एक्टर हैं, कलाकार हैं, तो क्या पहले तुम्हें टॉयलेट आए पहले जाओ ऐसे पता आदमी का दिमाग में गैस जड़ जाती है फिर ऐसी बातें करता जाओ बेटा दिन में 10 बार किया था मैं जा रही हूँ, रुक जाइए। अच्छा, मैं क्या जानना चाहती हूँ कि क्या ये बच्चों के लिए आसान होता है जब उनके माँ बाप सेम प्रोफेशन में हो, तो क्या उनके लिए चीजें आसानी से हो जाती हैं? हाँ, कुछ हद तक। आई थिंक हर डॉक्टर भी चाहता होगा कि उसका बेटा डॉक्टर बने, लॉयर भी चाहता है उसका बेटा लॉयर बने, एक्टर कभी कभी चाहते हैं उनके बेटे एक्टिंग करे। वैसे आपके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिता इनकी माँ को तंग करते थे तभी ये हुई है। मैंने उंगली से वापस अंदर डाली, मैंने कहा आप यकीन नहीं करोगे, बस मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया। सवाल ये था कि क्या जो बच्चे होते हैं अगर उनके माँ बाप सेम प्रोफेशन में हो तो क्या उनको जरा हेल्प हो जाती है? Well, as a doctor, I think बच्चों को माँ का प्रोफेशन अपनाना चाहिए। ओहो ओहो, जैसे एज ए डॉक्टर मैं इतना नहीं कमाता जितना पेंचर के बिजनेस से 10 टाइम कमा लेता हूँ मैं, माँ का प्रोफेशन इज बेटर। आपकी मम्मी पंचर बनाती थी? नहीं नहीं, मैं तो बाद में शुरू किया, चाची जी मेरी चाची थी मजूर की माँ जो थी, और पहले बालों से ट्रक खींचती थी। तो एक दिन जिंदू साहब अभी यकीन नहीं कर गए, ऐसे चाची जी बालों से ट्रक खींची थी, ट्रक वाले ने बैग के डाल दिया, चाची पूरी गंजी। अच्छा, आप यकीन नहीं करोगे सिद्धू साहब, हालांकि थी मेरी चाची पर मेरे को बड़ा मजा आया देख के। आपकी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, आपने अपनी चाची को बचाने की कोशिश नहीं की? अरे ट्रक तो यही चला रहा था ना। See, this is not fair. This is not fair. You come here, sit on chair, otherwise go anywhere. I don't care. मेरे आप टीचर है ना? जी जी, oh, see, I'm so famous. He knows me. Yes. मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी जी। मैंने दिल्ली में बहुत कूड़ा देखा सड़कों पे, मैंने ऐसा जुड़न देखा, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया आपका जुड़न। अच्छा, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया, इतना सही नहीं है। अच्छा बेटा, लाना था तुम पे यार। देखिए, मुझे जूड़ा छोड़िए, जूड़ा कराटे भी आता है, because I love Bruce Lee. और पेश करते हैं यहाँ पर चमाट टॉफी, जब चाहे चूस ली। क्या हम हमारे मुद्दे को कंटिन्यू करना चाहेंगे कि क्या माँ बाप का और बच्चों का सेम प्रोफेशन में होने से बच्चों को आसानी हो जाती है? ये पिंक वाले भाई साहब। अच्छा, मैं सिद्धू साहब, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने ऐसी डिवाइस बनाई है, आप दीवार के आसपास देख सकते हो। ओहो, क्या बोलते हैं उसे? उसे खिड़की। मैंने खिड़की बनाई है, मैं बनाता रहता हूँ। चलिए, आप ये बता सकते हैं जरा आपने किस चीज की इंजीनियरिंग की है, मतलब केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कौन सी? मैं बेटा इतना सोचता हूँ, जो मेरे हाथ में आई मैंने कर ली। मैंने इंजीनियरिंग की है जिसमें अपना बड़ा सा चश्मा लगा के ना, काले रंग का, हाथ में फुलझड़ी जला के वो चीजें जोड़ते हैं जो। अरे वो फुलझड़ी से जो जोड़ते हैं उसको तो वेल्डिंग कहते हैं ना। मजरूम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा बीच में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं हाथ उठाऊंगी गाली दूं। मेरे को दिस इज टू मच, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस बंदे को कुछ करो यार। मैं आपको एक बात बताऊं, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे अभी भी आपका झूठा पसंद नहीं आया। मतलब मेरे चाचा जी है, वो फ्लॉप फिल्म भी 3-4 बार देख लेते हैं, तो मैंने उनको भी दिखाया, मैं देखो लड़की का जुड़ा कैसे, कहते नहीं बिल्कुल पसंद है। अरे मैं 93 में मेरी साली आई हुई थी, मैं वैसे ड्रिंक वगैरह कर लेता, साली आई तो सांडू के साथ, वैसे मैं डेली ड्रिंक नहीं करता, कभी कभार कोई 24 घंटे बाद एक आध बोतल पी लेता। पर बेटे मैं बात भूल गया, मैं आपका, मेरे को मुंह भी नहीं पसंद आया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं हाथ उठाऊंगे डंडा। देखिए, संजा हो या मंजा, रोज खाओ डंडा, अब मैं लात उठाने पे मुझे मजबूर कर रहे हैं आप, मैं बता रही हूँ आपको। बेटे मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका जुड़ा देखो, मैं देखो सलाह लेनी चाहिए, आप अगर इसके चारों तरफ थोड़ी बाउंड्री लाइन लगा के 2 फूल लगा ले, बेटा गमला बन सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं अपने शो करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग बातें करते जा रहे हैं, एक तो शो कैसे होगा मेरा? देखो बेटा, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ
मुझे आपकी होस्टिंग ना नफरत हो गई। मेरे को बिल्कुल पसंद है। यार तो डिबेट में ये बैठोगे या मैं बैठूंगा? देखो आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बैठ रहा हूँ, आप चले जाओ। जाओ अब मैं यहाँ बैठा तो मंदिर जाओ, मेरा बाथरूम में कच्चा गीला पड़ा उसको सुखा दो। मैं तुम्हारा कच्चा क्यों दो भाई? मेरा कच्चा? यार मेरा सगा भाई नहीं, मेरा कच्चा कहाँ से आया? तेरा था, मैंने रात को पहन लिया था। बस दो है तुम सुखा दो यार। पर आपका मुंह मुझे और भी गंदा लगने लगा है। This is too much. आप नेशनल टीवी पे कच्चा सुखाने की बात कर रहे हैं? तो बेटा मैं फिर कच्चे पे नेशनल टीवी सुखा दूँ? कमाल कर रही है आप। यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस किए जा रही है, क्या तरीका हुआ? मुझे शो करने दीजिए ना। बेटा जल्दी करो, मेरी मुंह उतर रही है। वो मजा आता देख यार। तीन चार आदमी इकट्ठे करके मेल्ट करके बंदा बना दिया। देखिए चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि हम मुद्दे से काफी भटक गए हैं, इसके लिए हम मुद्दे को ही टोटली भटका देते हैं, हम अगले सवाल पे चले जाते हैं। सोनाक्षी जी, जी मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। मुझे बताइए कि खूबसूरत लड़कियां जैसे कि मैं, जैसे कि आप, आई एम सॉरी मैं आपको इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी, खूबसूरत लड़कियां क्या अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती हैं? आप पहले तो एक फेवर कीजिए मुझ पर, जब आप खूबसूरत लड़की बोलते हैं तो आपका नाम और मेरा नाम सेम सेंटेंस में मत। बहुत अच्छी बात है, मेरे को आपके जवाब बड़ा पसंद है। ओके, आई हैव अ कंप्लेंट। यस, कई बार क्या होता है लड़कियां ना अपनी प्रोफाइल पे हीरोइन की फोटो लगा देती हैं। हाँ। अभी इसने आपकी फोटो लगाई हुई है दोस्त बनाने के लिए, व्हाई इज दैट? सारी रात बैठ के मैं चैटिंग करता रहा, मैं समझ रहा भी आप हैं। ये तुम्हारा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम किसी की फोटो लगा दो तुम खराब ही दिखोगी। तुम्हारी फोटो नहीं अच्छी, तुम चाहे गोगा कपूर की फोटो लगा दो तुम खराब दिखोगी। देखिए दुर्घटना से देर भली अतामा जैसा टकली, अब मेरा हाथ उठने वाला है बस। तपड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वैसे आपने क्या चैटिंग की बता, वो भी बता दीजिए, मगर इतना बता ना, मेरे को ना एक आपसे बात करनी थी। वहां से करो ना, नहीं प्लीज प्राइवेट बात है ही, गेस्ट अग्रेसिव, मैं बता रहा हूं, मैं अग्रेसिव नहीं, आप वहां से करो, मेरी बात तो सुनो। नहीं आप वहां से नहीं, वैसी हो गई नहीं वहां से, मेरे को कहता मेरी मुंबई में बड़ी इज्जत है, मैं देख ली। देखो मेरे को ना थोड़ा सा मन कर रहा है, हम दोनों बाहर चले एक नारियल लेते हैं, उसमें दो डालेंगे स्ट्रॉ करके पीते हैं दोनों, अगर आपको ठीक लगे तो एक ही नारियल से पी लेंगे। एक ही नारियल से पी लेंगे? कैसे कैसे कैसे? देखो मैं ऐसे इधर रहूं, आप उधर रहें। अब मुझे बड़ा मजा आया। वेरी गुड। ए लाल जो पड़ी है ना तुम्हारे नंबर प्लेट पे पड़ी है। मुझे बड़ा मजा आया। पूरा नारियल पीना है तो पूरा पी लो आप। ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे शो पे एक अभिनेत्री काफी गुस्सा हो गई है, क्या वो इस डॉक्टर का खून करेंगी? बेटा ये तो मोटी नर्स आइडिया दे रही है, तेरे को बता रहा हूँ। ये आइडिया दे रही है। लेते हैं ऑडियंस पोल, क्या इनका खून करना चाहिए या नहीं? यस ऑडियंस, मेरी बात सुनिए। देखो मैं एक मिनट ऐसा कुछ नहीं है, मैं आया पहली बार। ये भी है लीजिए। मैं पहले मेरे को जाने दो। नहीं 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 मेरे दर्शन में। देखिए मामला अपना, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिटी केबल। बेटा मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। चतुरी से पूछना, मेरे को बड़ा अच्छे से जानते हैं। अरे मैं, अरे सोनाक्षी बेटे मैं एक बात कर रहा था, मेरे को अरे मैं आपको पता, मैं सिद्धू साहब ये प्रोग्राम के लिए मैंने स्पेशल सूट बनाया, मैं स्पेशल जूते बनवाए। देखो बेटे मेरी गुस्सा नहीं करना, मैंने सुना है आपकी फिल्म अकीरा में एक बड़ी प्यारी सी बच्ची ने गाना गाया, मेरे को वो सुना फिर मैं मर जाऊँ चाहे। बच्ची को बुला दे बेटे, प्लीज आप मंच पे आए, बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को बहुत पसंद आएगा। ये एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही मतलब आई कैन नॉट टेल यू, इंडियन आइडल जूनियर में थी। या 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 ब्यूटीफुल बाय, जरा सा अपना ले बना, दैट्स सो लवली, जरा सा ख्वाबों में सजा दो, जरा
मेरी एक रिक्वेस्ट है नायत से, और मेरी अगली फिल्म जो आएगी वो अकीरा है, क्या आप मेरे लिए उसमें गाना गाएंगी? Oh my God, I'm quite not sure. एंड तब मैंने उसकी आवाज़ सुन के उसको बोला था कि प्लीज़ आप मेरे लिए एक फिल्म में गाना, और अकीरा में वो विशाल और शेखर ने पॉसिबल किया एंड शी इज़ डन सच अ फैंटास्टिक जॉब विद द सॉन्ग सो दीपाली आई कांट टेल यू. तो हो जाए. बेटा नायत, मैं बात करना चाहूँगा, जितना मुझे इनका मुंह खराब लगा उतना मुझे आपका गाना अच्छा लगा. बेटा मैं थैंक यू सर आपके साथ एक मैं सेल्फी लेना चाहूंगा. कम बेटे इतना अच्छा गाया है कि आज इस खुशी में खूबसूरत मोबाइल मैं अपने आप को गिफ्ट कर रहा हूँ. आइए आजा बेटे आजा. सारे आओ सारे आओ यार सारे आओ. ये बहुत ये बड़ा खुद तेरे को बड़ा बजाना आ रहा है. अरे खूबसूरत मोबाइल मैं अपने आप को गिफ्ट कर रहा हूँ. गुलाटी मेरे को यार चाय नहीं पूछता. आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए कपिल शर्मा जो. हो गया आपको और कुछ बोलना है? कुछ नहीं. मेरे को बाय गुड बाय तो बोल दीजिए. गुड बाय बेटे. मैं बेटा जब भी पाल